दंड रसीद के नाम पर जनपद पंचायत के बाबू ने लिए रिश्वत में 10,000, अब 50,000 की और कर रहा मांग। हम आपको बता दें कि खरगोन जिले की माहेश्वर तहसील के ग्राम जलूद निवासी गुलाब सिंह पिता फूल सिंह से 10,000 की रिश्वत तहसील कार्यालय के एक बाबू ने ले ली है और कोई दंड रसीद आज तक नहीं दी और अब 50,000 की मांग कर रहा है। आपको बता दें कि गुलाब सिंह ग्राम पंचायत जलूद के पुनर्वास में जिस जगह रह रहे हैं उस जगह की भूमि पर दंड रसीद के नाम पर 10,000 रुपए नगर पालिका महेश्वर के एक कर्मचारी के माध्यम से अनिल कुमार इडली, जो कि तहसील कार्यालय महेश्वर में एक बाबू है, रुपए उनको दे दिए गए, लेकिन अभी तक कोई दंड रसीद गुलाब सिंह को नहीं दी गई। जब गुलाब सिंह ने पूछा अनिल कुमार इडली से तो उसका जवाब आया कि 50,000 और लगेंगे। IBN 24 न्यूज के लिए महेश्वर से अक्षय कुशवाहा की रिपोर्ट। अच्छा, क्या समस्या है आपको? साहब, हमको ये समस्या है साहब, मैं यहाँ सरकारी जमीन में रहता हूँ। अच्छा, तो मैं गया था साहब, तो मेरे ऊपर दंड करवाया गया था। कहाँ गए थे आप? मैं नायब तहसीलदार के साहब। हाँ, क्या हुआ फिर वहाँ पे? साहब मेरे बयान पत्री हुए थे तो मेरे ऊपर दंड करा गया था, तो दंड के लिए तो मेरे से पैसे बोला गया, तो बोले इतने पैसे का दंड हुआ है आपके ऊपर। फिर तो मैंने बोला साहब मैं गरीब आदमी, इतने पैसे मैं कहाँ से दे सकता हूँ, मैं मजदूरी करता हूँ साहब। तो मैंने बोला, फिर मेरे साथ में कोई मेरे साथ में सपोर्ट नहीं थी, तो ग्राम पंचायत इसका नगर पंचायत का चौकीदार है, अच्छा, उनके हाथ से 10,000 रुपये अनिल शर्मा को उनको दिए गए थे। अनिल साहब हैं आपके बाबू? अच्छा, उनको दिए थे साहब। तो आपने किसके हाथ में पैसे दिए थे? चौकीदार को साहब। अच्छा, चौकीदार ने दिए उनको पैसे साहब। तो कितने महीने पहले पैसे दिए थे आपने? तकरीबन 3 महीने होते आ रहे हैं। कितने दिए थे पैसे? नाम आपका? गुलाब सिंह चौहान साहब। कहाँ रहते हो? ये मैसूर ग्राम पंचायत जलूर। हाँ, क्या समस्या आ रही है आपको? साहब मेरे यहाँ पे दंड किया गया था मेरे ऊपर। हाँ, तो उसमें पहले मेरे से 10,000 रुपये ले लिए थे, दे दिए गए। किसने लिए थे? अनिल इटली ने। क्यों? दंड रसीद के नाम से। तो 10,000 रुपये आपने किसके द्वारा दिए थे? ये अपने नगर पंचायत का चौकीदार साहब, उनके हाथ से दिलवाए थे 10,000 रुपये। हाँ, और आज मैं गया हूँ तो साहब आज मेरे को 50,000 की और बोला है उन्होंने। तो 10,000 रुपये कब दिए थे आपने? आज से साहब 2-2.5 महीने पहले। तो आपको रसीद नहीं दी थी, दंड रसीद नहीं दी साहब? मेरे बयान भी हुए, मेरे बयान भी लिए, सब काम हुआ मेरा। हाँ, उसके बाद में फिर मेरे को उन्हें चक्कर कटवाते रहे साहब। मैं डेली मजदूरी छोड़ के जाता हूँ साहब, मैं डेली वहाँ के थोक पे चढ़ के चक्कर काटता हूँ, फिर मेरे को सुनवाई नहीं होती। आज मैं गया हूँ फिर आखिरी में, तो मैंने बोला साहब या तो मेरे को हाँ का जवाब दो या ना का जवाब दो। तो फिर क्या बोला आपको? मेरे को बोला 50,000 का दंड होगा आपके ऊपर है ना। और 10,000 रुपये कब दिए थे आपने? आज से साहब 3 महीने पहले दिए हैं साहब। मैंने 3 महीने पहले दिए हैं आप, है ना? हाँ साहब। तो अभी तक कोई आपको उन्होंने 10,000 का कुछ वो नहीं दिया था? प्रूफ नहीं दिया साहब मेरे को। अच्छा, और आज और मांग करी आप? आज और मांग की गई मेरे से। अच्छा।